अगर हल्का फुल्का भी आइडिया होगा ना आप लोगों को रियाक्ट का, तो आप लोगों को पता होगा कि एक पेज से दूसरे पेज का नेविगेशन रियाक्ट जेएस के अंदर कभी कभी कितना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ये चीज़ नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह से सॉल्व की गई है। सबसे पहले तो हमारे पास फाइल बेस्ड रूटिंग है, वो तो आप लोग को मैंने बता दिया था, वो तो आप सबको बताए, ठीक है। लेकिन अभी एक पेज से दूसरे पेज में अगर आपको जाना है तो नेक्स्ट ईयर प्रदान करता है एक लिंक कंपोनेंट, जो कि नेक्स्ट स्लैश लिंक से आप लोग बड़े आराम से इम्पोर्ट कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग अगर एक पेज से अपनी वेबसाइट में, एक पेज से किसी दूसरी वेबसाइट में, किसी दूसरे इंसान की वेबसाइट, लेट अस से मेरी वेबसाइट codewithari.com को आप लिंक करना चाहते हो, तो अपना वो जो पुराना ए टैग है और गुड ओल्ड ए टैग, वो आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये नेक्स्ट ईयर का लिंक जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट है हमारे HTML के एंकर टैग से, और कब एंकर टैग यूज करना चाहिए, कब लिंक टैग यूज करना चाहिए, ये चीज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखते हैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉग दिखाई पड़ रहा है। मैं काम यहाँ पर जल्दी से करूँगा, मैं यहाँ पर रखूँगा यान रन, और सॉरी यान डेव, यार रन क्यों लिख रहा हूँ मैं, यान डेव। वैसे मैंने यान रन लिखा तो ये पूछ रहा था कि कौन सा कमांड रन करना चाहते हो। यहाँ पर मेरा लोकल सर्वर स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा आप लोग देख सकते हो कि हंटिंग कोडर खुल चुका है। सो फार ब्लॉग बहुत बढ़िया दिख रहा है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाने में। लेकिन एक सबसे बड़ा फ्लॉ एट दिस पॉइंट इस ब्लॉग के अंदर क्या है कि हम पेज टू पेज नहीं जा सकते, यानी कि हम होम से अबाउट में, अबाउट से ब्लॉग में, ब्लॉग से कॉन्टैक्ट में क्लिक करके नहीं जा सकते। तो आप लोगों को यार HTML तो सबको आती है, एंकर टैग यूज़ क्यों नहीं कर लेते। यहाँ पर हम एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग लिंक को यूज़ करेंगे। अब इससे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ कि नेक्स्ट JS का जो हमारा लिंक कंपोनेंट है और हमारा एंकर टैग जो HTML प्रोवाइड करता है उनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन सा कब इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये नेक्स्ट JS की वेबसाइट है और ये टेलविंड CSS की वेबसाइट है। टेलविंड CSS की ये वेबसाइट एंकर टैग का इस्तेमाल करती है। आप देखो जब मैं कंपोनेंट्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज रीलोड हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपको जो हमारा स्पिनर होता है वो दिखाई पड़ रहा है। ब्राउज एवरीथिंग पर क्लिक करूँगा अगर मैं, तो स्पिनर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सेम पेज पर हैं। मैं पेज चेंज करूँगा तो ये देखो स्पिनर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे काम करता है हमारा एंकर टैग। लेकिन हमारा जो लिंक कंपोनेंट होता है नेक्स्ट JS का, वो पेज को रीलोड होने से बचाता है। देखो पेज तो चेंज होगा, पेज यहाँ पर चेंज होगा, हम सेम पेज पर नहीं होंगे, लेकिन आप देखो URL भी चेंज हुआ, पेज भी चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें स्पिनर देखने को नहीं मिला। यानी कि ये सारा का सारा काम JavaScript ने किया, JavaScript ने कंटेंट को पॉपुलेट किया। आप देखो एनालिटिक्स पर क्लिक करूँगा तो रिलोड नहीं हुआ पेज। एग्जाम्पल्स पे देखो रिलोड हुआ भी और नहीं भी हुआ, स्पिनर नहीं दिखा, लेकिन जो रिलोडिंग हुई वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुई, यानी कि जो डेटा था हमारे पेज का वो यहाँ पर पॉपुलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एंटरप्राइज पर मैं क्लिक करूँगा अगर, तो ये एंटरप्राइज में भी आ गया। मैं यहाँ पर आप देखो फीचर्स पर क्लिक करूँगा, प्रीव्यूज़ पर क्लिक करूँगा, तो देखो रिलोड नहीं हो रहा है पेज। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेक्स्ट JS लिंक कंपोनेंट। और नेक्स्ट JS लिंक मैं यहाँ पर सर्च करके जल्दी से पहले डॉक्यूमेंटेशन खोल देता हूँ। लिंक क्या होता है नेक्स्ट JS के अंदर? लिंक के कंपोनेंट होता है जिसको हम कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इसको मैं बंद करूंगा और index.js के अंदर आकर ये जो मेरा हेडर था, कहां गया मेरा हेडर? ये रहा मेरा नेव के अंदर था हेडर। ये जो li है इसके बाहर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह से लिंक यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ तो MIT एब्रीविएशन आ रही है। मुझे सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट लिंक में से लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो LINK, और अब मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि लिंक यहाँ पर आ चुका है और मैं यहाँ पर जल्दी से लिख दूंगा लिंक। और जैसे मैं यहाँ पर लिंक लिखूंगा, आप लोग देखो इसके अंदर मैं होम को डाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने लिंक लिखा, मैं यहाँ पर लिखूंगा href = और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ स्लैश, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लैश अबाउट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैं स्लैश अबाउट लिखूंगा और मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ बट यहाँ पर कर्सर पॉइंटर मैंने नहीं किया हुआ है, जो कि मैं कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने टैग यूज़ नहीं किया, मैंने लिंक टैग का इस्तेमाल किया, मैंने होम में अबाउट कर दिया। मैं काम करता हूँ, जल्दी से इसको ठीक करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं ऑल्ट शिफ्ट दबाकर यहाँ तक लेकर जाऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा, और ये जो मेरे लिंक टैग्स हैं इनको कंट्रोल एक्स करके मैं एट दी एंड पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर इंडिविजुअली लगा दूंगा अबाउट, इंडिविजुअली यहाँ पर मैं लगा दूंगा ब्लॉग, इंडिविजुअली यहाँ पर मैं लगा दूंगा कॉन्टैक्ट, ठीक है।
कॉन्टैक्ट, ये मैंने कर लिया। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा मैं अबाउट पर पहुँच चुका हूँ, जैसे ही मैं ब्लॉग पर क्लिक करूँगा मैं ब्लॉग पर पहुँच चुका हूँ, जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा मैं कॉन्टैक्ट पर पहुँच चुका हूँ। लेकिन अब मुझे एक चीज़ और करनी है कि यहाँ पर ये जो मैंने स्टाइल किया हुआ है नैव क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मेन नैव, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने लिंक को भी स्टाइल करूँगा और मैंने एक्स जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा और देखूँगा यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे लिए। अब देखो लिंक के अंदर इन्होंने ए यूज़ किया हुआ है और उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है कि अगर मैं लिंक के अंदर ए टैग यूज़ करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर ए टैग यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से और मैं कॉपी करके एट दी एंड पेस्ट कर दूँगा इस सबको। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? मैंने गड़बड़ करी है, मैं बताता हूँ क्या कि मुझे ये यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है? अब क्या दिक्कत आ रही है यार, अब क्या दिक्कत आ रही है? ओके, तो यहाँ से मैंने इसको हटाया नहीं, कॉपी कर लिया, मुझे कट करना चाहिए था, माई बैड यार। इसको मैं को जिस तरह से सेव करूँगा अब ये सही हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे ही अपना कर्सर लेकर जाऊँगा, आप देखो ये होम अबाउट बैक करूँगा, ब्लॉग बैक करूँगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया कि लिंक टैग का इस्तेमाल किया। अब अगर मैं यहाँ पर लिंक कंपोनेंट है, एक्चुअली लिंक इज़ नॉट अ टैग, इट्स अ नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट, ठीक है, लिंक कंपोनेंट, तो मैं लिंक कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँगा तो मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे लिंक टैग को, लिंक कंपोनेंट को यूज़ करने का जो सही तरीका है वो मुझे मिल जाएगा। वैसे तो यार जो बेसिक एग्जांपल होता है एट दी टॉप वो काम करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी हम लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी होती है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि उसको समझना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि आपका यूज़ केस कॉम्प्लेक्स है। उस केस में आप लोग सबसे पहले उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन में देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो HRF तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, एज ऑप्शनल डेकोरेटर फॉर द पाथ दैट विल बी शोन इन द ब्राउज़र URL पाथ बार, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस यूसेज हो गया, ठीक है। पास HRF प्री फेच, ठीक है। अब क्या मैं ये सब रट के बैठा हूँ? ऑब्वियसली नहीं, मैं ये सब रट के नहीं बैठा हूँ, मैं टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंटेशन में देख लेता हूँ जो भी चीज़ मुझे देखनी होती है और उसको यूज़ कर लेता हूँ। और अगर कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर ली, मैं करता जा रहा हूँ यूज़ एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, तो मुझे याद हो जाती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे HRF मुझे याद हो गया, लिंक पे HRF होता है, मुझे याद हो गया, मुझे याद अगर नहीं होता तो मैं यहाँ से देखता। नेक्स्ट के अंदर एक लिंक कंपोनेंट होता है, ये पता होना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है नेक्स्ट के अंदर लिंक कंपोनेंट होता है तो आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस के लिंक वाले पेज पर एक बार आप आ गए तो आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल मैं कहूँगा लगता है, वो है स्क्रॉल इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्रॉल इज इक्वल टू फॉल्स करके जब भी एक नए लिंक पर क्लिक किया जाता है तो आप डिसेबल कर सकते हो स्क्रॉलिंग एट द टॉप ऑफ द पेज। ऐसा आप लोग तब करोगे जब आपके जो दो पेजेस हैं वो एक दूसरे में लिंक हो रहे हैं। ऐसा आप लोग तब करोगे जब आपकी पूरी ओवरऑल एप्लीकेशन है वो कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फेसबुक जैसा एक सोशल मीडिया नेटवर्क बना रहे हो तब आप लोग क्या करोगे, आप नहीं चाहोगे कि एट द टॉप स्क्रॉल हो जाए अगर किसी ने चैट पर क्लिक किया, या फिर आप कोई दूसरा कंपोनेंट लोड कर रहे हो तो एक कंपोनेंट लोड करते वक्त आप नहीं चाहोगे कि एट द टॉप स्क्रॉल कर दिया जाए। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो मैंने क्या चीज़ क्यों करी। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इस ब्लॉग को और आगे लेके जाएंगे और बढ़िया बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time।